हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के 13 शॉर्टकट की के बारे में, जो एक्सेल में जब हम काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा क्योंकि सारे शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल डिजिटल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है एक्सेल का 13 शॉर्टकट की, जिनमें से सबसे पहला शॉर्टकट की जो है Ctrl+1। Ctrl+1 यूज़ करके हम एक्सेल का जो डिस्प्ले फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है उसको हम ओपन कर सकते हैं। उस डायलॉग बॉक्स में हम कोई भी चीज़ को फॉर्मेट इजीली कर सकते हैं। उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करते हमारे सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे हम नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, अगर कोई सेल को हमें प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करना है, हम यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमारा शॉर्टकट की जो है Ctrl+1। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डिस्प्ले फॉर्मेट सेल विथ फॉन्ट टाइप सिलेक्टेड। जो पहले हमने डिस्प्ले फॉर्मेट सेल ओपन किया था वही फॉर्मेट सेल दोबारा ओपन होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, हमें जो फॉन्ट का जो टाइप था वो सिलेक्ट होके हमारे सामने ओपन होगा। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+F। Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन इस समय फॉन्ट का जो टैब है वो सिलेक्ट रहेगा। हम बहुत ही जल्दी से कोई भी फॉन्ट को यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। अगर हमारे कोई भी टेक्स्ट में हमें बोल्ड जो फॉर्मेट है उसको अप्लाई करना है तो हम Ctrl+B प्रेस कर सकते हैं। अगर उस बोल्ड को हमें रिमूव करना है तो Ctrl+B दोबारा प्रेस करना है तो बोल्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे इंडिया लिखा, तो इंडिया लिख के अगर हमें इंडिया को जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको अगर बोल्ड करना है तो हम सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करेंगे तो इंडिया जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। दोबारा बोल्ड को रिमूव करना है तो Ctrl+B दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अप्लाई और रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें Ctrl+I प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl+I प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अगर दोबारा इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना है तो Ctrl+I दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अप्लाई और रिमूव अंडरस्कोरिंग। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट के अंदर अंडरस्कोर ऐड करना है तो हम Ctrl+U प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर अंडरस्कोरिंग ऐड हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करना है तो दोबारा हम Ctrl+U प्रेस करेंगे, दोबारा ये रिमूव हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग। अगर हमें कोई हमारे टेक्स्ट के अंदर स्ट्राइक ऐड करना है तो हम Ctrl+5 जो बटन है वो प्रेस करेंगे। Ctrl+5 प्रेस करते टेक्स्ट के अंदर स्ट्राइक लाइन ऐड हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करना है तो दोबारा हमें Ctrl+5 प्रेस करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा शॉर्टकट की है वो है अलाइन सेंटर। अगर हमें कोई भी हमारे टेक्स्ट को या लेटर को उस सेल के अंदर अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, लेफ्ट में अलाइन करना है या राइट में अलाइन करना है, तो शॉर्टकट के जो हम यूज़ करेंगे वो है Alt+H+A फॉर सेंटर और Alt+H+A फॉर लेफ्ट एंड Alt+H+A R प्रेस करेंगे राइट के लिए। तो हम ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ये अगर अभी ये एक्सट्रीम राइट में है, अगर हम इसको सेंटर में करना है तो हमें Alt+H+A और C प्रेस करना है तो हमारा जो टेक्स्ट है उस सेल के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे हर बटन को क्लिक करके छोड़ देना है। अभी हम इस टेक्स्ट को लेफ्ट में लाना है तो Alt+H+A एंड
एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। फिर दोबारा इसको राइट में प्रेस करना है तो ऑल्ट एच ए आर प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रीम राइट में हो जाएगा। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है इंडेंट। इंडेंट में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट सेल के अंदर है, अगर हमें उस टेक्स्ट को एक स्टेप लेफ्ट या राइट लेके आना है तो हम ऑल्ट एच सिक्स प्रेस करेंगे। ऑल्ट एच और सिक्स प्रेस करते जो हमारा टेक्स्ट है जो पहले एक्सट्रीम राइट में था अभी एक स्टेप लेफ्ट में आ गया है। दोबारा ऑल्ट एच सिक्स प्रेस करेंगे तो एक स्टेप लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हमें दोबारा इसको राइट में एक स्टेप लेके जाना है तो अभी हम ऑल्ट एच फाइव प्रेस करेंगे तो ये एक स्टेप राइट में चला जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है जो हमारा फॉन्ट है या टेक्स्ट है उसके जो साइज़ है उसके साइज़ को एक स्टेप बढ़ाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। इसके लिए हम ऑल्ट एच एफ जी प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ एक स्टेप बढ़ जाएगा। ऑल्ट एच एफ जी प्रेस करती जो हमारा टेक्स्ट है या फॉन्ट है वो इसका जो साइज़ है एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर दोबारा एक स्टेप बढ़ाना है तो दोबारा हम ऑल्ट एच एफ जी प्रेस करेंगे। अगर एक स्टेप कम करना है तो यहाँ पे हमें ऑल्ट एच एफ के प्रेस करना है। ऑल्ट एच एफ के प्रेस करेंगे तो जो फॉन्ट का साइज़ है वो एक स्टेप कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था 13 शॉर्टकट की जो हमें एक्सेल में काम करने के दौरान बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपने मेरे प्रीवियस मॉड्यूल जो एक्सेल रिलेटेड है वो आपने नहीं देखा है या मिस कर गए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं लेके आऊँगा कुछ और शॉर्टकट की। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।